हेलो बच्चों, फर्स्ट ऑफ ऑल आइए क्वेश्चन को रीड करते हैं। तो क्वेश्चन इज, टू काइट्स पी एंड क्यू हैविंग डिफरेंट हाइट्स एंड आर फ्लाइंग वर्टिकली अबव टू पॉइंट सी एंड बी रिस्पेक्टिवली। बोथ काइट्स आर ऑन द सेम साइड ऑफ अ पॉइंट ए विच इज समवेयर इन द ग्राउंड एंड द डिस्टेंस बिटवीन बी एंड सी इज 64 मीटर। द हाइट ऑफ पी इज 15 मीटर मोर देन दैट ऑफ क्यू। इफ द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ पी एंड क्यू आर 45 डिग्री एंड 60 डिग्री फ्रॉम अ पॉइंट ए, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ ए बी। यहाँ पर फोर ऑप्शन गिवन है, ए बी सी एंड डी, और हमें इनमें से करेक्ट ऑप्शन चूज करना है। तो आइए क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो देखिए, सबसे पहले हमें गिवन है टू काइट्स पी एंड क्यू हैविंग डिफरेंट हाइट्स। ठीक है, तो लेट कर लेते हैं कि ये पॉइंट पी है और ये पॉइंट क्यू है। ठीक है, ये डिफरेंट हाइट पर काइट्स फ्लाई कर रही है वर्टिकली अबव टू पॉइंट सी एंड बी रिस्पेक्टिवली। यानी कि ये जो पी है वो ठीक कहां पर है, सी पर, और ये क्यू पॉइंट कहां पर है, ये बी पर है। ठीक है, रिस्पेक्टिवली बोथ काइट्स आर ऑन द सेम साइड ऑफ अ पॉइंट ए। ठीक है, जो कि कहां पर है, विच इज समवेयर इन द ग्राउंड। तो ये हो गया ग्राउंड, और यहां पर कहीं पर पॉइंट ए है। ठीक है, ए से ये पी और क्यू सेम साइड में है। आगे देखिए क्या दे रखा है कि बी सी इज 64, डिस्टेंस बिटवीन बी सी ये दे रखा है 64 मीटर, और आगे द हाइट ऑफ पी ये दे रखी है 15 मीटर, एंड हाइट ऑफ क्यू 15 मीटर मोर देन दैट ऑफ क्यू। ठीक है, आगे देखिए दे रखा है द हाइट ऑफ पी इज 15 मीटर मोर देन दैट ऑफ क्यू। तो अगर क्यू की हाइट हम लोग एच लेट कर लें तो ये पी की हाइट कितनी हो जाएगी, एच प्लस 15 हो जाएगी। ठीक है, आगे देखिए क्या दे रखा है, इफ द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ पी एंड क्यू। ठीक है, तो कितने दे रखे हैं, 45 एंड 60। तो क्यू का दे रखा है 60 डिग्री का, तो ये तो बना लेते हैं 60 डिग्री, और P का दे रखा है 45 डिग्री। ठीक है, तो ये P का एंगल बना लेते हैं विच इज 45 डिग्री। ठीक है, और AB की डिस्टेंस को हम लोग x लेट कर लेते हैं, ये डिस्टेंस। अब देखिए क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। सबसे पहले हम लोग लेंगे टेन 45। 45 देखिए किस ट्रायंगल में आ रहा है, P A और C में। तो इन ट्रायंगल P A C टेन आ जाएगा 45। टेन क्यों ले रहे हैं, क्योंकि 45 डिग्री के लिए हमें परपेंडिकुलर गिवन है और बेस गिवन है। तो टेन 45 किस में बन रहा है, पीसीए में। तो परपेंडिकुलर कितना आ जाएगा इसके लिए, एच प्लस 15 अपॉन बेस कितना हो जाएगा, 64 प्लस एक्स, 64 प्लस एक्स। टेन 45 की वैल्यू 1 होती है, इक्वल टू में आ जाएगा एच प्लस 15 अपॉन 64 प्लस एक्स। क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर लेंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, 64 प्लस एक्स इक्वल टू एच प्लस 15। इसको सॉल्व कर लें अगर, तो देखिए हमें एक रिलेशन मिल जाएगा, एक्स माइनस एच इक्वल टू 15 माइनस 64 कितना हो जाएगा, 14 माइनस 5 9, और यहां बचेगा 5 माइनस 1 49। तो एक्स माइनस एच की वैल्यू आ रही है -49, या फिर हम ये कह सकते हैं कि एच माइनस एक्स इक्वल टू आ जाएगा 49, या फिर एच की वैल्यू इस तरह से भी लिख सकते हैं 49 प्लस एक्स। तो इसको इक्वेशन 1 लेट कर लेंगे, क्लियर। अब नेक्स्ट पेज पे देखिए 60 डिग्री किस में बन रहा है, इन ट्रायंगल बी क्यू ए। तो नेक्स्ट पेज पे लेंगे इन ट्रायंगल बी क्यू ए, यहां पर लेंगे टेन 60 डिग्री। तो टेन 60 में देखिए क्या आ जाएगा, परपेंडिकुलर एच अपॉन एक्स, तो यहां पर ले लेते हैं एच अपॉन एक्स। टेन 60 की वैल्यू √3 इक्वल टू एच अपॉन एक्स। क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर लेंगे तो एच इक्वल टू कितना आ जाएगा, √3 एक्स, ये इक्वेशन बन जाएगी 2। अब देखिए इक्वेशन 1 में हमें क्या गिवन था, एच इक्वल टू 49 प्लस एक्स, यहां पे लिख लेते हैं एच इक्वल टू 49 प्लस एक्स। ठीक है, तो हमें क्योंकि एक्स की वैल्यू फाइंड करनी है तो एच को हम एलिमिनेट कर देंगे और एच की वैल्यू यहां पे रख देंगे 49 प्लस एक्स इक्वल टू √3 एक्स। अब एक्स को इधर शिफ्ट कर दें तो 49 इक्वल टू आ जाएगा √3 एक्स माइनस एक्स। तो 49 इक्वल टू आ गया √3 माइनस 1, और एक्स को ले लिया कॉमन, तो एक्स की वैल्यू हमें क्या मिल जाएगी, 49 अपॉन √3 माइनस 1 मीटर में। अब ऑप्शन चेक कर लेते हैं, 49 अपॉन √3 माइनस 1 ये हमें किस ऑप्शन में मिल रहा है, डी ऑप्शन में। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। थैंक यू।